हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज हमारे किचन में बनने जा रही है राजस्थान की एक बहुत ही ट्रेडिशनल और बहुत ही पुरानी मिठाई। तो आज मैं बनाऊंगी राजस्थान की फेमस बिस्तर बंद रोल। तो जी हाँ, ये मिठाई सिर्फ दूध से बनाई जाती है। इसे आप व्रत में खा सकते हैं, भाई दूज आने वाली है उस पर बना सकते हैं। और आप सबको हैप्पी दिवाली फ्रेंड्स। तो रेसिपी को आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ मैंने ले लिया है 1.5 लीटर फुल फैट मिल्क। तो पहले ना हमें इसे एक कढ़ाई में या किसी एक बर्तन में ट्रांसफर कर देना है। तो देखिए, यहाँ पे मैंने 1.5 लीटर दूध जो लिया है ना, उसे मैं कढ़ाई में ट्रांसफर कर दूंगी। तो यहाँ मैंने इसे एक कढ़ाई में ट्रांसफर कर दिया और अब हमें इसे पकाते जाना है, पकाते जाना है। जैसे हम मावा बनाते हैं ना, बस उसी तरह से हमें इसे पकाना है। तो इसे पकाने में हमें काफ़ी टाइम लगने वाला है, यानी 1 से 1.5 घंटा इसे पकाने में हमें लग जाएगा। तो मैं इसे ना लो गैस पर पकने दूंगी। बीच बीच में मैं इसे इस तरह से चलाती जाऊँगी। चलाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि दूध जो है ना, वो बहुत जल्दी नीचे लग जाता है। तो ये जो मिठाई है ना, इसे आप व्रत में भी खा सकते हैं। व्रत के लिए भी बहुत अच्छी मिठाई ये बन जाती है। और देखिए, दूध को करते हुए ना लगभग यहाँ पे 20 से 25 मिनट हो गए हैं और देखिए दूध की क्वांटिटी जो है ना, वो भी रिड्यूस हो गई है। तो जब तक दूध पक रहा है, यहाँ मैंने ले ली है एक बर्फी ट्रे। तो इसे भी ना अब सेट कर लेते हैं। तो इसमें मैंने कोई घी कुछ नहीं लगाया है। मैं क्या करूँगी ना, इसमें थोड़ा सा इस तरह से डेसिकेटेड कोकोनट जो है वो छिड़क दूंगी, यानी कि नारियल का बुरादा जो होता है ना, मार्केट में आसानी से मिल जाता है, वो मैंने यहाँ पे छिड़क दिया है। आप इसकी जगह चाहें तो थोड़ा सा मिल्क पाउडर भी इस पे छिड़क सकते हैं, लेकिन इससे जो लुकिंग है या जो मिठाई दिखती है ना, वो बहुत अच्छी दिखती है। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे ले लिए हैं 2 से 3 चम्मच मिल्क पाउडर। तो आप इसकी जगह और भी कई चीज़ें ले सकते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन हम व्रत के लिए बना रहे हैं तो मिल्क पाउडर। तो मिल्क पाउडर में मैं थोड़ा सा ना यहाँ पे दूध ऐड कर दूंगी। तो यही उबलता हुआ जो दूध है ना, वो मैं इसमें ऐड करूंगी। देखिए, 1 कड़छी दूध मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया और अब हमें इसे अच्छे से ना मिक्स कर लेना है, यानी कि जो मिल्क पाउडर है वो अच्छे से दूध में घुल जाना चाहिए। अगर इसे ठंडे पानी में मिक्स करते ना, तो ये बढ़िया से मिक्स नहीं होता, इसलिए मैंने यहाँ पे इसे गर्म पानी में मिक्स किया है। तो इसे अच्छे से बढ़िया से हमें मिक्स कर लेना है। देखिए, यहाँ पे हम इसे इस तरह से बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। तो आप दूध की जगह, आप मिल्क पाउडर की जगह जो है ब्रेड ले सकते हैं, जैसे कि मैंने रबड़ी की रेसिपी शेयर की है। तो लेकिन वो व्रत में आप उसे फिर नहीं खा पाएंगे। मैदा ऐड कर सकते हैं 2 से 3 चम्मच, या फिर कॉर्नफ्लोर ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर व्रत में बनानी है ना, तो उसको सबका सब्स्टिट्यूट जो है वो है मिल्क पाउडर, या फिर कोई भी चीज़ ऐड ना करें, ऐसे ही दूध को कढ़ाते जाए। टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, लेकिन मिठाई एकदम टेस्टी बनेगी। और अब हम इस दूध को ना इसमें ऐड कर देंगे। देखिए, और अब हमें इसे पकाना है। तो जहाँ इसे पकने में हमें 1.5 से 2 घंटे लग सकते हैं, वहाँ इसे पकने में हमें बस पकाने में बस हमें इसे 1 घंटा लगेगा। तो इसकी साइड्स को हमें स्क्रेप कर करके इसे पकाते जाना है। तो बिल्कुल जैसे मावा बनाया जाता है ना, वैसे ही हमें इसे पकाना है। लेकिन एक स्टेज आएगी जहां तक हमें इसे पकाना है। तो ये रेसिपी जो है ना, राजस्थान में तो बहुत ज्यादा फेमस है, बहुत जगह मिल जाती है और ये बनती भी बहुत टेस्टी है फ्रेंड्स। एकदम एक बार ये रेसिपी आप जरूर बना करके देखें, आपको बहुत मजा आएगा इसे बनाने में। और जैसे कि भाई दूज आने वाली है और आज तो दिवाली है ही, तो आज तो आप इस टाइम नहीं लगेगा इसे बनाने में, लेकिन भाई दूज वाले दिन आप ये रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। बहुत यम्मी और टेस्टी ये बनेगी। मैंने बहुत सी मिठाई की रेसिपीज आपके साथ शेयर की हैं, वो भी आप चेक कर सकते हैं। पूरी एक प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पर, वो भी चेक कर सकते हैं, जैसे कि रसगुल्लों की रेसिपी, छोटी रसबरियों की रेसिपी, बहुत सारी रेसिपीज़ हैं। तो यहाँ पे मैं चीनी ऐड कर रही हूँ, तो इसमें चीनी बहुत कम ऐड की जाती है, सिर्फ 2 चम्मच चीनी मैंने यहाँ पे ऐड की है। और जो राजस्थान में मिलती है ना, उसमें तो चीनी ऐड ही नहीं करते, जो दूध की अपनी मिठास होती है ना, बस उसी से इसमें मीठा बनाता है। लेकिन मैंने 2 चम्मच ऐड कर दिया। और देखिए, इसे करते हुए 1 घंटा हो गया है और इसकी कंसिस्टेंसी आप, और कलर और कंसिस्टेंसी दोनों देखिए कैसे चेंज हो गया है ना, एकदम बढ़िया और टेस्टी और एकदम आसान सी रेसिपी, यम्मी रेसिपी, टेस्टी और एकदम प्योर रेसिपी। जैसे कि दिवाली है, तो त्योहारों वाले दिन में क्या होता है ना, बहुत ही ज्यादा मिलावट वाला मावा जो है वो मार्केट में मिलता है, आप रोज न्यूज में सुन रहे होंगे।
और मिठाइयों में ना बहुत ज़्यादा मिलावट की जाती है, लेकिन इस तरह से जब आप घर पर बनाएंगे तो एकदम प्योर चीज़ बनती है, प्योर मिठाई बनती है, आपकी फैमिली को भी नुकसान नहीं करती। चीनी आप अपने हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हैं। तो देखा ना आपने, मैंने इसमें सिर्फ 2 चम्मच चीनी ऐड की है, और आप चाहे ना तो इसे बिना चीनी के भी बना सकते हैं, क्योंकि ट्रेडिशनली इसमें मीठा ऐड ही नहीं किया जाता। और इसकी कंसिस्टेंसी आप देखिए, तो ये एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी है, सेटिंग कंसिस्टेंसी। गैस की फ्लेम मैंने ऑफ कर दी है, और यहाँ जो मैंने ये ट्रे सेट की थी ना, तो इसमें मैं इस तरह से इस मिक्सचर को ट्रांसफर कर दूंगी। देखिए किस तरह से आसानी से ये पूरी ट्रे में फैल रहा है, तो एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। इससे ज्यादा हमें इसे नहीं पकाना है। अब इस रोल को ना हम सेट होने के लिए रख देंगे रात भर के लिए, उससे कम में ये सेट नहीं होगा, तो रात भर के लिए अब हम इसे छोड़ देंगे। तो अगली सुबह मैं आपको इसको दिखा रही हूँ। देखिए मैं बीच में से ना इसे इस तरह से कट कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, मुझसे यहाँ पे एक गलती हुई है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैंने यहाँ पे इसे सेट करने के लिए एक बर्फी ट्रे ली थी, लेकिन आप अगर इसे बनाएंगे ना, तो आप इसे एक थाली में सेट करें, बर्फी ट्रे में सेट ना करें, क्योंकि इसे निकालना ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अगर आप इसे थाली में सेट करेंगे तो आप इसे आसानी से निकाल पाएंगे। तो ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी, ये ज़रूर आप फॉलो करें। तो देखिए यहाँ मैंने इसे पीसेस में ना कट कर लिया है, और अब हम इसके रोल्स निकाल लेंगे। तो रोल्स निकालने के लिए हमें क्या करना है, कोई भी फ्लैट स्पैचुला ले लें, और यहाँ पे ये गरी का बुरादा ले लें जो हमने पहले भी इसमें स्प्रिंकल किया था। तो अब हम क्या करेंगे, कोई भी इसमें स्पैचुला ले लेंगे। देखिए बढ़िया से हमारी बर्फी सेट हो गई है, कितनी बढ़िया लग रही है। ऊपर से थोड़ा सा गरी का बुरादा मैंने इसके ऊपर भी डाल दिया है। तो अब हमें क्या करना है ना, देखिए यहाँ पे हमें इसे निकाल लेना है। तो इसे निकालने के लिए थोड़ी सी मुझे मशक्कत हुई, लेकिन अगर आप थाली में सेट करेंगे ना, तो बहुत आसानी से इसे निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैं इसे इस तरह से ना एक रोल की शेप में निकालती जाऊंगी। तो हम क्या करेंगे, इस तरह से जो करी का बुरादा लिया था उसमें अपने स्पैचुला या पलटा या करछी को इस तरह से लगा देंगे, और फिर इसे निकालते जाएंगे। एक निकालने में आपको दिक्कत आएगी, फिर तो आसानी से सारे निकल जाते हैं, लेकिन जो पहला वाला है ना, उसे निकालने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो देखिए इस तरह से इसे रोल करते जाना है और फिर इसे निकाल लेना है। तो है ना एकदम इंटरेस्टिंग सी मिठाई, और बिल्कुल बिस्तर बन जैसे होता है ना, बस वैसी ही ये बिल्कुल लगती है। जैसे कि पहले हमने देखा होगा कि किस तरह से बिस्तरों को बिस्तर बन में रोल करके ले जाया जाता था, बिल्कुल वैसे ही ये सेट होगी। तो लीजिए हमारा एक बिस्तर बंद रोल जो है वो बन करके रेडी हो गया है। तो आप इसे प्लीज थाली में सेट करें, इस तरह की बर्फी ट्रे में ना सेट करें। और लीजिए यहाँ पे हम दूसरे को भी निकाल लेंगे। तो इसे मैं ना हाथ से रोल कर रही हूँ, तो ये बहुत ज्यादा अभी भी सॉफ्ट है, ओवरनाइट मैंने इसे रखा है, लेकिन ये इतनी सॉफ्ट बनती है ना, और जैसे ही आप इसको मुंह में रखेंगे ना, बस ये मुंह में जाते ही मेल्ट हो जाती है। बहुत टेस्टी ये मिठाई बनती है फ्रेंड। तो इसे मैंने इस तरह से हाथ में ले लिया है और इसका रोल बना लिया है। देखिए यहाँ पे दूसरे भी हमारा रोल रेडी हो गया है। तो इसी तरह से मैं सारी निकाल लूंगी। ठंडी ठंडी सी मिठाई लीजिए, सर्व करने के लिए रेडी है। थोड़ा सा इसे गार्निश कर देते हैं चांदी के वर्क के साथ। आप थोड़े ड्राई फ्रूट्स गार्निश कर सकते हैं, और ये रेसिपी बना करके रेडी कर सकते हैं, राजस्थान के ट्रेडिशनल रेसिपी। भाई दूज पे ये रेसिपी ज़रूर बनाएं। आप मुझे ज़रूर बताएं आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। इसी तरह की बढ़िया टेस्टी रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। मैंने आपके साथ बहुत सी मिठाई की रेसिपी शेयर की हैं फ्रेंड्स, वो भी चेक जरूर करें, और ये रेसिपी तो जरूर ट्राई करें। और वीडियो अच्छी लगी हो और आपने यहां तक वीडियो देखी हो तो लाइक जरूर करें, अच्छी ना लगी हो तो डिसलाइक कर दे। तो लीजिए यहाँ पे थोड़ा सा नारियल का बुरादा मैंने इसके ऊपर डाल दिया है। नारियल का बुरादा टोटली ऑप्शनल है, अगर आपको टेस्ट ना पसंद हो तो आप उसकी जगह ना मिल्क पाउडर स्प्रिंकल कर सकते हैं। और लीजिए यहाँ पे हमारी जो बिस्तर बंद रोल है वो बन करके रेडी हो गई है। तो ये एकदम डिफरेंट और टेस्टी मिठाई है, बहुत ही अलग सा इसका टेस्ट है। एक बार खाएंगे बार बार खाएंगे, एक बार बनाएंगे बार बार बनाएंगे। तो ये ज़रूर ट्राई करें और लीजिए, मैं तो इसे फटाफट से ट्राई करने जा रही हूँ। आपको क्या करना है, आपको इस रेसिपी को बनाना है। तो एक बार फिर से आप सबको हैप्पी दिवाली, थैंक यू फॉर वॉचिंग।